तो दोस्तों, आज की ये वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे YouTube वीडियो के लिए हम थंबनेल कैसे बनाएं। हाँ दोस्तों, बस आपको हमारे ये वीडियो पर बने रहना है और मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से एकदम फुल ट्यूटोरियल दे दूंगा। दोस्तों, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, विश्वास रखो, फटाफट हम सीख लेंगे। पिक्सल लैब प्रो थंबनेल मेकर है, इससे हम थंबनेल ही नहीं लोगो भी बना सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम फटाफट सीख लेते हैं। तो दोस्तों, आपके दिमाग में तो ये आता है, मैं तो थंबनेल बना लेता हूँ पर वो पूरी तरीके से फिट नहीं होता, उसकी साइज थंबनेल के बराबर नहीं रहती। तो हम पहले सबसे पहले हमें इसकी साइज थंबनेल के बराबर करनी है, तो आपको इसके लिए थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, मैं थ्री डॉट पर क्लिक कर देता हूं। जैसे दोस्तों मैं थ्री डॉट पर क्लिक करूंगा, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, एकदम आप पगला जाओगे। लेकिन आपको क्लिक किस पे करना है? हाँ दोस्तों, आपको इमेज साइज पर क्लिक करना है। आप तो समझदार हो, तब आपको जब इमेज साइज पे जब आप क्लिक कर ले तो आपको इधर एक एरो का ऑप्शन मिल जाएगा, तब आप इधर आपको बहुत सारी साइज मिल जाती है। तो आपको यूट्यूब थंबनेल इस पर क्लिक करना है। तो यूट्यूब थंबनेल पे मैं क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो दोस्तों, इसकी साइज जो रहेगी वो यूट्यूब थंबनेल के हिसाब से हो जाएगी। तो अब आपका जो भी आप थंबनेल बनाओगे वो परफेक्टली यूट्यूब थंबनेल पे हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आप जब थंबनेल बनाते हो तो आपका मकसद क्या रहता है? कि मेरे दोस्त लोग अच्छे से वो थंबनेल देख के पूरी तरीके से समझ जाए और मेरी वीडियो वायरल हो सके, क्लिक करे वो मेरी वीडियो पर। तो आप उसके लिए बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। अगर आपको ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बहुत सारे बैकग्राउंड लगा सकते हो, और अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख के उसको लेटरिंग स्टाइल भी दे सकते हो। आप उसकी साइज बड़ी कर सकते हो, छोटी कर सकते हो, इधर कोई गैलरी से इमेज भी ला सकते हो। दोस्तों, आपके हाथ में सब चीज है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, ये प्रो थंबनेल मेकर है। तो पहले मैं अपना बैकग्राउंड जो है चेंज कर लेता हूं। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको लास्ट वाला ऑप्शन जो दिख रहे, चार ऑप्शन है, लास्ट वाले पर आ जाओ, इमेज पर। जैसे दोस्तों आप आओगे, पिक्सल लैब आपको पहले से ही बहुत सारे बैकग्राउंड्स देता है, तो मुझे ये सब बैकग्राउंड्स में से मुझे ये वाला बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगता है। तो आप इधर आके देख लेना, आप अपने मनपसंद का बैकग्राउंड ले सकते हो। और जब आप कलर में आते हो दोस्तों, आपको बहुत सारे कलर भी मिल जाते हैं। जैसे आप कोई कलर सिलेक्ट करोगे तो वो कलर इधर आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, कंजूसी नहीं करता हूँ। तो आप इधर कलर भी सिलेक्ट करके टिक कर सकते हो। तो मैं वापस से वाले चीज ले लेता हूँ बैकग्राउंड। तो दोस्तों, इधर मैं राइट कर लेता हूँ। और अगर आपको कोई गैलरी से थंबनेल मतलब बैकग्राउंड लगाना है तो इधर फ्रॉम गैलरी का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, हम लोग ने तो बैकग्राउंड लगा लिया, तो फटाफट सीख लेते हैं। बिना आपका कुछ वक्त गवाए मैं आपको बता देता हूं थंबनेल कैसे बनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कौन सा थंबनेल बनाऊंगा कि हम थंबनेल कैसे बनाएं। मैं ये थंबनेल बनाने वाला हूं कि हम अपने YouTube वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बनाएं। तो इसके लिए मैं क्या लूंगा, सबसे पहले पिक्सल लैब ले लूंगा, क्योंकि मैं पिक्सल लैब के द्वारा आपको बताने वाला हूं। तो मैं गैलरी से पिक्सल लैब ले लेता हूं, इसकी फोटो मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, आप जल्दी समझ जाओगे, टेंशन मत लो। तो जैसे मैं पिक्सल लैब लेता हूं, मैं इसको क्रॉप कर लूंगा पहले, मुझे पूरा तो लेना नहीं है। क्रॉप करने के बाद दोस्तों, ये आपको ये सर्कल वाला ऑप्शन आता है, इसको क्लिक कर देना। जैसे ये गोल में पिक्सल अब आए, इधर क्लिक कर देना राइट, तो पिक्सल अब आ जाएगा। बाद में मैं इसको स्ट्रोक वाला ऑप्शन दे सकता हूँ, मतलब दोस्तों इसको मैं आउटलाइन दे सकता हूँ। जैसे आप स्ट्रोक में आओगे, इसे एनेबल करोगे, आप इसे मतलब आउटलाइन देके इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, आउटलाइन को कलर दे सकते हो। तो मैंने इधर पिक्सल अब लिख दिया है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा इसकी साइज कंट्रोल करके छोटी कर देता हूँ। और इधर अब क्या करूंगा दोस्तों, मैं लिखूंगा पिक्सल लैब। अब मुझे कुछ लिखना है, टाइटल लिखना है, तो इसके लिए मुझे ये ए वाले ऑप्शन पर आना होगा। ए वाले ऑप्शन पे जैसे मैं आता हूं दोस्तों, मुझे क्या करना है, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एडिट वाला क्लिक कर लूंगा मैं, ये जो न्यू टेक्स्ट है पहले इसको कैंसिल करके मैं इधर लिखता हूँ पी आई एक्स ई एल एल ए बी, जो कि पिक्सल लैब होता है। इसे डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद भी ओके मांग रहा है, मगजमारी है, लेकिन टेंशन मतलब दोस्तों, आप थोड़ी मगजमारी करो, आपकी वीडियो जो है वो वायरल हो सकती है, जिसकी वजह से आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये सूखा सूखा एकदम पतला कांडी जैसा पिक्सल लैब दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसको लेटरिंग स्टाइल आपको बहुत मिल जाएगी। तो आप इधर कोई भी लेटरिंग स्टाइल ले सकते हो, मुझे ये वाली लेटरिंग स्टाइल बहुत अच्छी लगती है, देखो ये वाली। तो मैं इसको इधर सिलेक्ट करके, अब थोड़ा मोटा मोटा दिख रहा है, पेटला लग रहा है, तो अच्छा दिख रहा है, जैसे पब्लिक को दिखे वैसा मुझे मतलब लेटरिंग स्टाइल से देना है। लेटरिंग स्टाइल देने के बाद भी दोस्तों, आपको इधर पहले रुको मैं एडजस्ट कर लेता हूं, आपको इधर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि स्ट्रोक वाला, आउटलाइन जो कि होता है, स्ट्रोक मतलब आउटलाइन, ये आउटलाइन को आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो मैं इधर इतना ही रखता हूं, इधर टिक कर देता हूं। और आउटलाइन देने के बाद दोस्तों, बात आ जाती है इसे कलर देने की, तो आपको इधर कलर का भी बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप कलर वाले ऑप्शन में जाते हो, जैसे मैं प्लस में जाऊंगा, आप इधर ब्लू कलर भी दे सकते हो आपके हिसाब से। देखो जैसे मैं इधर ब्लू कलर देके पिक्सल लैब लिख दिया, ये मैं इसका कलर चूज करता हूँ, ये ब्लू मैच नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, मैं इधर वापस से इधर जाता हूँ, ये वाले पे मैच करेगा शायद से। हाँ तो दोस्तों देखो, थोड़ा मैचिंग हो रहा है, लेकिन मैं अभी फिलहाल के लिए यही रखता हूँ। पिक्सल लैब लिख दिया मैंने, अब इधर लिखूंगा मैं थंबनेल मेकर, पूरा फुल ट्यूटोरियल लिख दूंगा मैं। जैसे पब्लिक अगर उनको थंबनेल बनाना रहे तो मेरी वीडियो देख के फटाफट क्लिक कर ले। तो मैं लिख दिया इधर पिक्सल लैब
एडिट करके मुझे कुछ लिखना है तो वापस से मैं इसको पहले कैंसिल कर दूँ। न्यू टेक्स्ट जो लिखा है थंबनेल THEMB थंबनेल लिख दिया, तो डन करता हूँ दोस्तों। डन करने के बाद ओके करता हूँ। ओके करने के बाद वापस से मेरे को अगर इसको कुछ लेटरिंग स्टाइल देनी है तो मुझे क्या करना होगा दोस्तों, वापस से ए बी फॉन्ट वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करूँगा। इधर आपको ये सब लेटरिंग स्टाइल भी मिल जाएगी, जैसे कि देखो ये वाली लेटरिंग स्टाइल भी अच्छी है, अमरांत बोल्ड जो भी है, मैं समझता नहीं इसको ज़्यादा, कौन इस पर ध्यान देगा। तो आप इधर ये वाला लेटरिंग स्टाइल लेके, अरे सीधा हो भाई सीधा, हाँ शाबाश। तो देखो दोस्तों थंबनेल मैंने लिख दिया, इसको मैं स्ट्रोक देके इसको भी आउटलाइन दे देता हूँ। अरे भैया हाँ ठीक है, अब इसको मैं आउटलाइन दे देता हूँ। मेरी जो थंबनेल है वो थोड़ी थोड़ी आकर्षित लग रही होगी आपको, इसकी साइज़ आप अपने हिसाब से बड़ा घटा सकते हो। तो इसको स्ट्रोक देने के बाद, लेटरिंग स्टाइल देने के बाद दोस्तों मैं इसको कलर भी कर सकता हूँ। कलर में भी आपको दो ऑप्शन आ जाते हैं, आप एक ही लेटर में डबल डबल मतलब वो ला सकते हो कलर। सो मैं इधर वापस से ब्लू ही ले लेता हूँ कलर। तो पिक्सल लैब थंबनेल मेकर, थंबनेल बनाना सीखिए, मैं ऐसा लिख दूंगा। जैसे अगर किसी को भी थंबनेल बनाना हो तो वो मेरा थंबनेल देख के डायरेक्टली यूट्यूब वीडियो का थंबनेल देख के मेरी वीडियो पर क्लिक कर दे। थंबनेल मेकर, मेकर लिख दिया मैंने, ओके कर दिया। ओके करने के बाद दोस्तों मैं इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ, वापस से लेटरिंग स्टाइल में दोस्तों इसको दे देता हूँ। दोस्तों आप सोचोगे मैंने तो इतना कम कम लेटरिंग स्टाइल यही सब बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि 3D रोटेट, आप इसे रोटेट भी कर सकते हो। ऐसे मैं इसको रॉन्ग कर देता हूँ, रोटेशन का भी आपको मिल जाता है, 3D टेक्स्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आप इसे अच्छा खासा इसको 3D टेक्स्ट दे सकते हो, मतलब 3D शेप में ला सकते हो। देखो दोस्तों एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, अगर आप मैथ्स पढ़े होगे, आपका मैथ स्ट्रांग होगा तो आप इसे अलग अलग टाइप के 3D इफेक्ट भी दे सकते हो, लेकिन मुझे इधर देने की ज़रूरत नहीं, इतना फेंकूंगा तो पब्लिक भी बौखला जाएगी। मतलब अपने हिसाब से बेस्ट बनाओ, अच्छा बनाओ, ज़्यादा भी फेंकने का नहीं। तो थंबनेल मेकर लिख दिया मैंने, इसको भी मैं इधर कलर दे देता हूँ दोस्तों। तो कलर के लिए मुझे वापस से कलर ऑप्शन में जाना होगा, ये मैं क्लिक करके राइट कर देता हूँ। पिक्सल लैब थंबनेल मेकर, अब आप बाद में अपने हिसाब से साइज वाइज का कर लेना, जो जो भी जुगाड़ आपको करना है। तो मैं पिक्सल लैब को थोड़ा बड़ा करता हूँ, थंबनेल थंबनेल मेकर। तो दोस्तों इधर मैंने पिक्सल लैब थंबनेल मेकर समझा दिया है कि मैंने पिक्सल लैब एक ऐप है जिससे हम थंबनेल बना सकते हैं, मेकर है वो थंबनेल मेकर। इसको मैं एडजस्ट कर लूँ, तो दोस्तों इधर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। बनाना सीखिए मैं इधर लिख लेता हूँ, बनाना सीखिए। इसके लिए मुझे हिंदी टेक्स्ट लेना होगा, तो अरे यार हिंदी कैसे लिखूँ, बनाना लेट्स नो लिख देता हूँ, बनाना कौन लिखेगा, कुछ और ही समझ रही होगी पब्लिक बहुत। तो लेट्स, अरे यार मैं मैथ्स मैं मेरा अंग्रेजी थोड़ा कमज़ोर है दोस्तों, शिट 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 भाड़ में गया। लेट्स क्या लिखूँगा, LETS लेट्स KNOW। तो दोस्तों चलो इसको जान लेते हैं, गेट्स नो लिखा दिया साला, मैं भी पगला गया हूँ, रुको रो लेट्स नो तो दोस्तों चलो जान लेते हैं, लेट्स तुरंत अभी नो करते हैं इसके बारे में, जो भी चीज़ है ये क्या चीज़ है, कोई खेत की मूली थोड़ी ना, अभी हम 2 मिनट में सीख लेंगे। तो ये क्या है, अरे क्या कहाँ आ जा रहा हूँ मैं, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे दोस्तों, आप आके ट्राई करो, मेरी तो बस मैं आपको बता रहा हूँ, एक डायरेक्शन दे रहा हूँ। तो अभी मैं इसको वापस एक लेटरिंग स्टाइल दे देता हूँ, मेरी फेवरेट वाली, इसको ये वाली लेटरिंग स्टाइल में चूज़ करके इसे दे देता हूँ। और वापस से जो मेरा फेवरेट फेवरेट चीज़ है, मैं फटाफट इसको स्ट्रोक करके थोड़ा ओके ओके ठीक है, शेडो भी आप दे सकते हो, शेडो दे दोगे तो थोड़ा और ये इनर शेडो भी दे सकते हो तो अंदर साइड भी आ जाएगा, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं लेट्स नो करके इसको कलर दे देता हूँ, कौन सा कलर दूँ देखते हैं, ये वाला सही रहेगा, ब्लैक नहीं, क्या यार निकाश क्या कर रहे हैं तू, मैं इसको येलो कलर देता हूँ, येलो कलर मेरा फेवरेट है, वो कहीं पर भी सूट कर जाता है। लेट्स नो करके दोस्तों देखो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इधर वापस है गैलरी में जाऊँगा, फ्रॉम गैलरी, गैलरी में जाकर इधर मैं एल्बम्स में आऊँगा, मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट करने वाला हूँ, ये वाली फ़ोटो राइट कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे मैं इसे राइट करता हूँ तो आप सोच रहे हो कि भाई ये आदमी सिर्फ आदमी कहाँ से लिया, ये पिक्सआर्ट की मदद से मैंने किया है, इसका बैकग्राउंड इरेज करके मैंने सिर्फ आदमी को ही सिलेक्ट करा है, तो सिर्फ आदमी ही आएगा। हाँ दोस्तों आप इसे कर सकते हो, मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप टेंशन मत लो। तो ये सिलेक्ट हो बे साले, सॉरी सॉरी, पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लूँ, लेट्स नो कहाँ, अरे यार तू खेत की मूली नीचे जा, काम करता हूँ,
अब थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा दोस्तों, यही बात आ जाती है। थंबनेल बनाते हो तो आपको इधर जुगाड़ तो लगाना ही होता है। तो टेक्स्ट लिखना है तो मैं इधर टेक्स्ट इधर से भी ले सकता हूँ, इधर एडिट करके मैं क्वेश्चन मार्क डाल सकता हूँ। क्वेश्चन मार्क डाल के इसको वापस से, इसकी साइज़ को बहुत छोटी है, मेरे पकड़ में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों इधर टी साइज़ का है, इधर से भी आप साइज़ बढ़ा सकते हो। जैसे 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 दोस्तों आप ये सब ऐप चलाओगे, आप इसके ऑटोमेटिकली मास्टर बन ही जाओगे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ए बी फॉन्ट में जाकर मैं इधर इसको लेटरिंग स्टाइल दे देता हूँ, जैसे ये मोटा दिखे थोड़ा। हाँ ठीक है, अभी इसको मैं वापस से स्ट्रोक का ऑप्शन देता हूँ, वही चीज़ कर रहा हूँ, आप भी पक गए होगे। लेट्स, मैं उधर जच नहीं रहे, क्या लिखूँ इधर, पिक्सल लेफ्ट फुल ट्यूटोरियल लिख देता हूँ दोस्तों, इधर लेट्स नो की जगह मैं लिखता हूँ फुल ट्यूटोरियल, ए री अल। तो दोस्तों फुल ट्यूटोरियल्स नहीं, ट्यूटोरियल देने वाला हूँ मैं, ओके कर देता हूँ और फुल ट्यूटोरियल इधर आ जाएगा। इसकी बहन की टांग क्या हो रहा है, ए भक्त, फुल ट्यूटोरियल बच्चों। तो दोस्तों आज की ये वीडियो में मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया सब चीज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, हमारी मेहनत को सफल ज़रूर बनाना, और इसको भी मैं कलर दे देता हूँ। ऐसे ही आप मेरे मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसे आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलते रहें। तो इसको मैं दे देता हूँ, कौन सा दूँ भाई, कौन सा दूँ, ठीक है, इसको कलर इसका जच नहीं रहा, इधर मैं देखता हूँ इसको कौन सा कलर दे सकता हूँ, कौन सा जमेगा इसके ऊपर। नहीं 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 जम रहा यार, नहीं जम रहा है, हटाओ इसको। हाँ ये भी नहीं जम रहा है, वटाओ, हाँ सही लग रहा है, क्या दूँ यार। प्रेम भाई बताओ ना कौन सा दूँ, ओ भाई सही है भाई, ठीक है चलो ठीक है, तो ये वाला दे देते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो, ये थंबनेल बन के रेडी है। जब थंबनेल बन जाएगा तो आपको इसे क्या करना रहता है, सेव करना रहता है। इतना अच्छा प्रोजेक्ट अगर डिलीट हो जाए तो आप तो रोते रोते थक जाओगे, लेकिन रोना नहीं बंद करोगे, तो इसे फटाफट सेव कर लो, नहीं तो ये डिलीट हो जाएगा दोस्तों। तो सेव करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, पता नहीं कैसा शेप है इसका, स्क्वायर शेप में, आप इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, अरे साला ये मैं गलत बता दिया आपको, आपको ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और सेव एज इमेज क्लिक कर देना होगा। सेव एज इमेज पे जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों, आपको सेव टू गैलरी दबा देना होगा। तो सेव हो गई हमारी ये इमेज।